तो आप देख रहे हैं आरजेएन 24x7 न्यूज, मैं शुभम उपाध्याय। अब समाचार विस्तार से। नहीं जलाना चाहिए लेकिन कचरे वाले कचरा जला रहे हैं। म्युनिसिपल स्कूल के ग्राउंड में चल रही है भागवत। तो ये म्युनिसिपल स्कूल में रखा हुआ है और ये खतरा भी हो सकता है। देखिए खुले में रखा हुआ है ये सिलेंडर, नुकसान हो सकता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ रहती है। अगर कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जा रहा है यातायात, इधर ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए कितना ओवरलोडिंग करके ले जा। कलेक्टेड में ज्ञापन सौंपा बजरंग दल ने। कोविड को रोकने के लिए मास्क लगाना अभियान चलाया गया मानव मंदिर चौक पर। राजनांदगांव के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने लगाया दुकानों में पोस्टर, मास्क नहीं तो सामान नहीं मिलेगा। वेट लिफ्टिंग में खिलाड़ी ने किया राजनांदगांव का नाम ऊंचा। राजनांदगांव गोल बाजार में सड़ रहा है कचरा जिसके कारण बदबू अधिक हो रही है। पार्षद ने कहा कि नया साल की छुट्टी होने के कारण यहां पर ही नहीं पहुंच पा रहे हैं सफाई कर्मी नहीं आने के कारण यहाँ कचरा जाम हो रहा है और सड़ने लगी है जिसके कारण यह बदबू आ रही है।